अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ विंसे की एंटी हेयर फॉल किट। एंटी हेयर फॉल किट में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें इनका है शैम्पू और इनका है मास्क और साथ में इनका है री अलाइव हेयर सीरम। अब मैं आपको इसकी प्राइस की अगर बात बता दूं तो प्राइस जो है वो विंसे ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। पहले अगर इस किट की प्राइस की बात करें तो 3200 थी, लेकिन अब जो है विंसे ने अपनी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है और अब इस किट की प्राइस है 3840 रुपीज़। मतलब तकरीबन 4000 रुपए में आपको ये तीन चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपको एक शैम्पू मिल रहा है जो कि है बायोटीन एंड कैराटिन शैम्पू, एंटी हेयर फॉल इसके ऊपर मेंशन है, और साथ में आपको जो हेयर मास्क मिल रहा है वो है बायोटीन एंड कैराटिन मास्क और ये भी एंटी हेयर लॉस है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिवेंट्स डैमेज एंड रिड्यूस हेयर फॉल, यहाँ भी ये लिखा हुआ है, क्योंकि इनकी ये जो किट है ये स्पेशली एंटी हेयर फॉल किट है। और इसमें जो आपको साथ सीरम मिलता है वो है जी हमारे पास री अलाइव हेयर सीरम, विंसे का है, और ये किट में आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी और प्राइस है इसकी 3840 रुपीज़। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर इसके रिजल्ट्स की मैं बात करूँ। यहाँ इनके इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं, आप इसको देख सकते हैं, और ये बायोटीन एंड कैराटीन शैम्पू है। अगर मैं आपको इसके रिजल्ट्स की बात बताऊँ तो मुझे जो है इतने ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिले। एंटी हेयर फॉल किट की अगर प्राइस की बात करें तो उस हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो फेवरेबल नहीं हैं। अब बात करूंगी कि आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है, तो आपके पास तीन स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपने शैम्पू यूज़ करना है, सेकंड स्टेप में आपने मास्क को यूज़ करना है, और थर्ड स्टेप में आपने सीरम को यूज़ करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने बालों को गीला करना है, और उसके बाद आपने शैम्पू जो है वो अप्लाई कर देना, और उसके बाद आपने बालों को अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद आपने ये जो मास्क है ये आपने लगा देना है गीले बालों में ही, और आप रूट्स पे भी लगा सकते हैं, कोई इतनी बात नहीं है, क्योंकि ये जो मास्क है ये आप रूट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आप बालों पे लगा सकते हैं, पूरी लेंथ के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फिर बालों को जो है वो वॉश आउट करना है, लेकिन आप तकरीबन 10 मिनट जो है इसको अपने बालों के ऊपर लगा रहने दें। ये जो हैं दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये जो हमारा लास्ट स्टेप है ये है सीरम अप्लाई करने के लिए। ये आपने गीले बालों पे ही करना है, मतलब तकरीबन आपके हल्के गीले बाल हों तो फिर ही आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपने इसको इस पंप की मदद से जो है ना आपने इसको अपने हाथों की ये देखें इस तरीके से आपने निकालना है, और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा दूं, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट कलर में है। फ्रेगरेंस की अगर मैं बात करूं तो फ्रेगरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और अच्छी फ्रेगरेंस है, ठीक है। आपने ये इस तरीके से ये देखें इस तरीके से आपने फिर जो है वो आपने अप्लाई कर देना। आपने पहले अपनी हथेलियों के ऊपर अच्छे तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके रिजल्ट्स मुझे कैसे मिले हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको इसके शैम्पू की बात करूँ तो शैम्पू जो है और मास्क जो है इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं कि मतलब आपके बाल इतने सिल्की और स्मूथ नहीं होते जितने कि इंटेंस कैराटीन शैम्पू से होते हैं। और साथ में अगर हम हेयर फॉल की बात करें तो हेयर फॉल अगर तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेयर है, आप बाल्डनेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो एंटी हेयर फॉल किट है ये आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको एक माइल्ड किस्म का हेयर फॉल है तो फिर जो है आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिवियर हेयर फॉल है और हेरिडिटरी है और आपके जीन्स में ये चीज़ है तो फिर आप इस चीज़ को यूज़ मत करें, क्योंकि आपको इससे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। ये बस एक इस तरीके से है कि थोड़े बहुत अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाई दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं मिल सकते। तो ये मैं आपको बता दूं कि शैम्पू और अगर मास्क की बात करें तो ओके है, मतलब फ्रेगरेंस के हवाले से भी ठीक है, बात करें, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं मिले कि मतलब जो कि हम जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं कि मतलब एंटी हेयर फॉल है तो इसको बालों का गिरना जो है रोकना चाहिए, लेकिन बालों का गिरना इतना ज़्यादा रुकता नहीं है। इससे अगर बात की जाए तो सिर्फ 20 से 25% रिजल्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगे, और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये कोई पैसा वसूल प्रोडक्ट नहीं है, कि मतलब अगर आप 4000 लगा रहे हैं, आप मेरी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा एड्स आपने देखी होंगी, एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, तो आप ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो सारी पेड प्रमोशन होती है, मैं आपको ये बता दूं। तो अगर 4000 आप किसी चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं तो फिर आपको 4000 के रिजल्ट्स भी मिलने चाहिए, तो ये पैसा वसूल प्रोडक्ट मेरी नज़र में नहीं है। शैम्पू और अगर मास्क की बात की जाए तो एप्लीकेशंस और फ्रेगरेंस अच्छी है, लेकिन मुझे जो मसला है वो है इस सीरम के साथ।
सीरम जो है ये आपको जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो आपके बाल हैं वो थोड़े ड्राई ड्राई फील होते हैं, मतलब सॉफ्ट सिल्की नहीं होते इससे, इस सीरम से। और तकरीबन 1 से 2 घंटे जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 1 से 2 घंटे जो है ये आपके बाल जो हैं वो थोड़ा इस तरह फील करते हैं जैसे आपने बालों के ऊपर जेल लगाई हुई है, लेकिन उसके बाद बाल ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ फील होते हैं। तो मुझे ये सीरम इसलिए पसंद नहीं है। इसको जो है ना 6/10 जो है वो मैं मार्क्स देना चाहूँगी या स्टार्स देना चाहूँगी। और अगर आपको स्फेयर हेयर फॉल है तो उसके ऊपर एक मेरी वीडियो मौजूद है जो कि मेडिकेटेड शैम्पू है, जो कि बायोक्सिन ऑयल हेयर ऑयल और बायोक्सिन शैम्पू, वो पैसा वसूल प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई भी मसला है बालों से रिलेटेड, हेयर फॉल से रिलेटेड, तो आप मेरी वो वीडियो देखें। उसकी प्राइस जो है शैम्पू की प्राइस 3000 ज़रूर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक दफ़ा पैसा लगाएंगे तो आपके जो हेयर फॉल के मसाइल हैं वो तकरीबन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। शैम्पू के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि दिस इज़ मेडिकेटेड शैम्पू, तो मैं आपको ये बताऊँ कि इसके अंदर केमिकल्स भी हैं एज़ वेल। और आप इस शैम्पू को, मास्क को जैसे ही लगाना छोड़ेंगे तो आपको वही रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हेयर फॉल जो है मैंने आपको बता दिया है कि 20 से 25% तक कंट्रोल होगा, और वो भी सिर्फ माइल्ड केसेस में, सिवियर केसेस में इसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो मैं आपको ये किट जो है वो सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरी नॉन प्रमोशनल वीडियो है। और अगर इस शैम्पू की फ्रेगरेंस की बात करें या इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो मैं अभी आपको चेक करवा दूँ। ये है शैम्पू और तकरीबन थोड़ा सा ही रह गया था, बाकी मैंने सारा यूज़ कर लिया था। और शैम्पू की फ्रेगरेंस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेगरेंस अच्छी है, नाक भी अच्छी खासी बनती है शैम्पू से, लेकिन मैं वही बात करूँगी कि हेयर फॉल के लिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। इनसे कि कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी भी डिस्टर्ब हुई है, इन्होंने प्राइस अपनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर ली, साथ में क्वालिटी भी ड्रॉप हुई है। क्योंकि पाकिस्तान में किसी चीज़ का नाम बन जाए तो फिर वो ज़ाहरी बात है कि क्वालिटी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा सोल्ड आउट होना स्टार्ट हो गए थे। तो बस मैं यही कहूँगी कि मेरी यही सजेशन है कि अगर आप हेयर फॉल के लिए कोई अच्छा शैम्पू ढूंढ रहे हैं तो वो बायोक्सिन है। उसका ना एक्सपीरियंस है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रोडक्ट के हवाले आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।